हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज लेसन में हम लोग लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक्स के इस चैप्टर में से 4 to 5 क्वेश्चन जैसे कि आपके आते ही हैं, तो हर टॉपिक लगभग उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार से हम लोग लास्ट क्लास का थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था। एक्चुअल में था क्या, सिंपली जो मेंडल ने हमें फैक्टर्स बताए थे कि फैक्टर्स होते हैं एक स्पेशल बॉडीज़ पर लोकेटेड होते हैं, वही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमें सटन एंड बोवेरी ने बताया कि जो फैक्टर्स थे वो जीन्स हैं और लोकेटेड होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर। बस इतना ही हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था। उसी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया थॉमस हंट मॉर्गन ने। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे अपने छोटी छोटी सी फ्रूट फ्लाइज पर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जिसका साइंटिफिक नेम है। इन्होंने इन पर ही एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए, तो उसके कुछ रीजंस थे जिन पर क्वेश्चंस बहुत सारे आ चुके हैं, तो एक बार से इसको रिवाइज कर लीजिए। इसके सबसे पहला तो ये रीज़न था कि इजीली इन्हें हम लोग लैब में ग्रोथ करवा सकते थे। छोटे छोटे से सड़े हुए फ्रूट्स तक ग्रोथ हो जाएगी फ्रूट फ्लाई की। दूसरी बात कि लगभग इनका बस 2 वीक्स का ही लाइफ स्पैन था, तो 2 वीक्स में हमारी नई जनरेशन मिल जाती थी हमें। तीसरी बात ये कि एक मीटिंग में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज मिल जाते थे, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट बहुत ईजीली कर पाते थे। फोर्थ थिंग ये कि मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा ईजी था, फीमेल बड़ी थी और मेल छोटा। लास्ट की ये इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी बहुत सारी थी, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स बहुत सारे थे जैसे कि पी में थे। तो टीएच मॉर्गन ने पी पर एक्सपेरिमेंट ना करके ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट किए, इसी के थ्रू इन्होंने हमें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया। तो लिंकेज जो टर्म है वो भी आपका टीएच मॉर्गन ने ही दिया है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन कैसे होती है ये सब कुछ हमें बताया। तो जो आपका एनसीईआरटी का खतरनाक सा डायग्राम दिया हुआ है उसे हम लोग आज पूरा पढ़ेंगे। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट करने के बाद में जीन मैपिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन ये आपका यहाँ से आता है कि लिंकेज जो टर्म है ये आपको किसने दिया। तो टीएच मॉर्गन ने ही एक्सपेरिमेंट्स किए थे और ये टर्म भी आपको टीएच मॉर्गन ने ही दिया था। तो ये आपका एक नीट का ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में मार्क भी कर लीजिएगा। लिंकेज एक्चुअल में है क्या, देखिए इससे पहले आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो मैंने आपको थर्ड लॉ बताया था मेंडल का, उसमें बताया था कि जो लिंकेज है ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है हमारे थर्ड लॉ का। मेंडल का थर्ड लॉ क्या था, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं दो कैरेक्टर्स, जो कि हमने हाइब्रिड क्रॉस पर करके देखा था। तो एक बार से इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है आपके लिए। देखिए ये मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या था, और फिर लिंकेज को ईजीली आप लोग समझ सकते हैं। मैंने आपको जब लॉ पढ़ाया था तो थोड़ा सा आइडिया दे दिया था, बट अभी एक बार फिर से आइडिया ले लेना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये मान लीजिए होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक पेयर ये आपका, ठीक है। अब ये एक सेल में है, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये हमें पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। मान लीजिए ये वाले होमोलोगस क्रोमोसोम पर कैपिटल ए प्रेजेंट थे, कैपिटल ए, और इस पर थे हमारे स्मॉल ए वाला, और ये था हमारा कैपिटल बी वाला, और ये था हमारा स्मॉल बी वाला। तो जब भी हमारे गैमेट्स बनेंगे तो हम क्या करते थे, सिंपली जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये वाले एक में जाते हैं, ये वाले एक में जाते हैं, सेम ये वाला भी एक में जाएगा और ये वाला भी एक में जाएगा। तो हमारा ऐसा था कि ये वाला एक गैमेट में चला गया, इसके साथ में ये वाला आ गया, ये हमारा एक गैमेट बन गया जिसमें कैपिटल ए वाले आए और कैपिटल बी वाले आए। वहीं हमारा जो दूसरा गैमेट बना इसमें स्मॉल ए वाला ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम आ गया और ये स्मॉल बी वाला आ गया। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, कैपिटल ए वाले के साथ में स्मॉल बी वाला भी जा सकता था और स्मॉल ए वाले के साथ में कैपिटल बी वाला भी जा सकता था। मतलब हमारा एक गैमेट ऐसा भी बन सकता था जिसमें कैपिटल ए कैपिटल वाले हों और स्मॉल बी वाले हों, वहीं हमारे स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी वाले हों। मतलब दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जो हमारे जीन्स हैं ये हमारे इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारा ये था, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एक कैरेक्टर का जो ट्रेट है या जो जीन्स हैं उसके वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब वहीं लिंकेज जो टर्म था, अब मान लीजिए ये तो देखिए एक क्रोमोसोम, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 ये था, क्रोमोसोम नंबर 2 ये था, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए गैमेट फॉर्मेशन में, 1 अलग हो गया 2 का अलग हो गया। बट वहीं अगर ऐसा हो जाता कि हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 1 है ये वाला, इसी पर हमारा जो जीन है ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होते, ए हमारा यहाँ प्रेजेंट होता और हमारा जो बी है वो यहाँ प्रेजेंट होता,
सेम हमारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरा है उस पर भी ऐसे ही बना हुआ होता। जैसे कि एक ये हो गया, ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल सेम होता है, बट थोड़ा सा ड्राइंग है मैम की तो थोड़ा सा ऐसे ही होता। कैपिटल ए और कैपिटल बी ये हो गया, ठीक है, मान लीजिए सेम पर प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, एक गैमेट में पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम चला जाएगा, एक गैमेट में पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम चला जाएगा। तो जो एक पर्टिकुलर दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के जो हमारे जीन्स हैं वो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, तो फिर ये आपस में क्या हो गए, एक पर हैं तो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, लिंक्ड जीन्स इन्हें हम कहते हैं। ये लोग आपस में सेपरेट नहीं होते और गैमेट फॉर्मेशन में ये एक ही गैमेट में चले जाते हैं, मतलब स्मॉल ए वाला भी गया, स्मॉल बी वाला भी साथ में गया, और कैपिटल ए वाला भी गया और कैपिटल बी वाला भी साथ में गया दूसरे गैमेट में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लिंकेज, मतलब एक एक ही पर आपस में पास पास प्रेजेंट हैं जीन्स, तो वो आपस में लिंक्ड हैं, वो लोग सेपरेट नहीं हो सकते। ये हमारा लिंकेज का टर्म, यहाँ तक आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। हो सकता है कि ये भी सेपरेट हो जाएं, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा क्रॉसिंग ओवर का, कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे या जब मियोसिस होती है तो क्रॉसिंग ओवर नाम का भी एक फेनोमेनन होता है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, कभी कभी जब भी क्रॉसिंग ओवर होती है तो ऐसा होता है कि जैसे कि एक ये हमारा जीन है, मान लीजिए एक ये हमारा क्रोमोसोम है, ये सिंगल वाला बना लेते हैं हम, ये वाला, और एक हमारा क्रोमोसोम है ब्लू कलर का, ठीक है, एक येलो हो गया एंड एक हो गया ब्लू कलर का। अब इस पर जीन्स प्रेजेंट है, जैसे कि इस पर हमारा जीन प्रेजेंट है यहाँ पर कैपिटल ए का और यहाँ पर कैपिटल बी का, ठीक है, और वहीं यहाँ पर प्रेजेंट है स्मॉल ए का और यहाँ पर प्रेजेंट है स्मॉल बी का। हमने पढ़ा था हमारा जो क्रॉसिंग ओवर का एक कॉन्सेप्ट, क्रॉसिंग ओवर होती है तो इस वाले जो हमारा ये है इसके पास में एज इट इज़ तो जाता है, बट कुछ पीस हमारा दूसरे वाले क्रोमोसोम का मिल जाता है। जैसे कि ये वाला पीस हमारा येलो कलर का आ गया, इतना पीस, और सेम येलो वाला जो क्रोमोसोम बना उसके पास में इतना पीस ब्लू कलर का आ गया क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, ठीक है, इतना पीस ब्लू कलर का आ गया इसके पास में। तो हुआ क्या, हुआ हमारा ये कि इसके पास तो यहाँ पर कैपिटल बी, तो कैपिटल बी यहीं रह गया, स्मॉल बी यहीं रह गया, बट इस वाले पोजीशन में चेंजिंग आ गई, मतलब स्मॉल ए यहाँ आ गया और कैपिटल ए यहाँ आ गया। तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो जो हमारी लिंकेज है ये एक बार को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकती है, लिंकेज कम हो सकती है, बट जहाँ पर ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा पास जुड़े हुए हैं तो इनका क्रॉसिंग ओवर के थ्रू भी सेपरेट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लिंकेज ओवरऑल आपकी क्या है, लिंक्ड जीन्स हैं, पास पास में प्रेजेंट हैं, तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो पास साथ में जाएंगे एक गैमेट में, और बहुत रेयर चांसेस हैं कि क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में वो सेपरेट हो जाएंगे और अलग अलग गैमेट्स में चले जाएंगे। ये है आपका सिंपली लिंकेज। और वहीं ये जो हमने नए नए कॉम्बिनेशन बनाए लिंक्ड जीन्स में, नए नए हमने जो कॉम्बिनेशन बनाए ये हो गए हमारे रिकॉम्बिनेशंस। नए नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेशन, और आपस में लिंक्ड हैं जीन्स, ये हो गया हमारा लिंकेज। ये इतना हो गया आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। आपकी एनसीईआरटी में आपको इतना दिया हुआ है, जो टर्म दिया है आपको टर्म लिंकेज मॉर्गन ने ही दिया है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर जनरेशन नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, एक बार से आप पढ़ लेंगे। टाइटली लिंक्ड हैं, बहुत ज़्यादा पास में हैं, तो रिकॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं। इनका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको समझ में आएगा तभी आप लोग लाइंस भी पढ़ सकते हैं, ये आपको गिवन है। देखिए, जो टीएच मॉर्गन थे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर, और इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने ना जैसे कि मेंडल ने कुछ कैरेक्टर्स को पकड़ा था, पी प्लांट की हाइट ले ली और सीड की शेप और कलर ले लिए, और फिर जो इनके थे डायहाइब्रिड क्रॉस इन्होंने किए। सेम टीएच मॉर्गन ने किया, क्या किया, एक मेल लिया ब्राउन बॉडीड रेड आइड, और वहीं एक फीमेल ली येलो बॉडीड वाइट आइड। अब इसके जो सिंबल्स हैं उसमें हम लोग जो हमारे मेंडल थे उनमें तो हम लोग कैपिटल और स्मॉल करके करते थे, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है, जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर है उसका हम लोग लेटर लेते हैं, जैसे कि येलो बॉडी रिसेसिव कैरेक्टर है इसका हमने लेटर लिया, और वाइट आइड रिसेसिव कैरेक्टर है इसका हमने डब्ल्यू लिया, ठीक है। और वहीं इसका जो डोमिनेंट होगा उसमें हम कर देंगे कैपिटल, सॉरी प्लस साइन लगा देंगे, जैसे कि वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। तो ये हो गया हमारा डोमिनेंट और ये हो गया हमारा रिसेसिव टाइप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या किया था, जब फर्स्ट क्रॉस किया था तो उन्होंने रिसेसिव फीमेल ली थी और डोमिनेंट मेल लिया था, और इनका आपस में करवाया था क्रॉस। अब इनके एक बार से क्रोमोसोम्स बनाकर देखते हैं कि एक्चुअल में क्रोमोसोम्स थे कैसे।
देखिए इसका हम लोग ये क्रॉस, एक ये हो गया एक्स क्रोमोसोम और ये हो गया इसका वाई क्रोमोसोम। अच्छा आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये वाले जिनके कैरेक्टर्स हैं ना, इनको कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे, वाई पर नहीं थे। ये टी एच मॉर्गन को ऑलरेडी पता था, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्हें पता चला। तो हम लोग जो जीन्स बनाएंगे वो एक्स क्रोमोसोम पर ही बनाएंगे, वाई पर नहीं बनाएंगे। तो ये आपके दो एक्स क्रोमोसोम हो गए फीमेल के, ठीक है, ये वाई क्रोमोसोम है। अब इस पर हम लोग बना लेते हैं अपने जीन्स। देखिए एक जीन ये हो गया हमारा वाई प्लस और एक जीन ये हो गया हमारा डब्ल्यू प्लस, और इस पर बनाएंगे वाई डब्ल्यू और इस पर भी बनाएंगे वाई एंड डब्ल्यू, क्योंकि फीमेल है इसके पास दो एक्स क्रोमोसोम है और मेल के पास में एक एक्स क्रोमोसोम है, ये तो हम सबको पता ही है। अब इनका जैसे ही हम लोग क्रॉस कराएंगे एफ वन जनरेशन में क्या होगा, चांसेस देखिए ये दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम है ना, तो सेम टाइप के रिजल्ट आएंगे। तो हम लोग एक से करके देखेंगे, इसका इसके साथ में या तो होगा या फिर इसका इसके साथ में होगा, एक टाइप का कॉम्बिनेशन ये बनेगा एफ वन जनरेशन में। तो एफ वन जनरेशन हम लोग बना के देख लेते हैं एक बार से। देखिए सेम इधर बना हुआ है, हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। ये हमारा हो गया एफ वन जनरेशन। एक ये वाला जब इसके साथ में क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा, ऐसा दोनों एक्स एक्स हो गए, यहाँ पर वाई प्लस यहाँ पर डब्ल्यू प्लस, सेम यहाँ पर वाई एंड यहाँ पर डब्ल्यू। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक हमारा एक ये और एक ये मेल वाला क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम, यहाँ पर आया वाई और यहाँ पर आया डब्ल्यू। तो एक प्रोजेनी हमारी ये बनी और एक प्रोजेनी हमारी ये बनी, वाई क्रोमोसोम पर तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसमें क्या आया, ये डोमिनेंट कैरेक्टर हैं हमें पता है, तो क्या आएगा, जो भी फीमेल बनेगी क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, तो फिर ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड फीमेल बनेगी और यहाँ पर येलो बॉडीड वाइट आइड मेल बनेगी। तो इसका थोड़ा सा उल्टा रिजल्ट आया यहाँ पर। ये तो हो गया हमारा एफ वन जनरेशन, इसका अब हम लोग कराएंगे सेल्फिंग और बनाएंगे एफ टू जनरेशन। ये देखिए ये वाला जो आपका इसमें क्रॉस ए और क्रॉस बी दिया हुआ है, क्रॉस ए में इन्होंने ये वाले कैरेक्टर्स लिए थे ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल को क्रॉस करवाया था येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल से, तो ये आपका कुछ रिजल्ट आया था। देखिए एफ वन जनरेशन एज इट इज़ सेम आई है, इसको जो डोमिनेंट है ना इसको वाइल्ड टाइप भी कहते हैं, तो ये वाइल्ड टाइप था और सेम ये वाला येलो वाइट और ब्राउन एंड रेड आइड ये आया आपका, ठीक है, ये मेल हो गया ये फीमेल हो गया, उल्टे उल्टे कैरेक्टर्स यहाँ पर आ गए थे। इतना आपका हो गया। जब इसका हम लोग सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग में आपको एक ये चीज़ पता होनी चाहिए, अब हम लोग कराएंगे इसकी क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर या एक बार वैसे भी डायरेक्टली करके देख लेते हैं। तो ये हैं हमारे, इनके ही हम लोग क्या करवाएंगे, सेल्फिंग। तो जब हम लोग सेल्फिंग करवाएंगे तो हमारे पास एक ये था वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और ये हमारे पास था वाई और डब्ल्यू, इसी का हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं वाई डब्ल्यू से और इसका इससे। तो इसका इससे हो सकता है, इसका इससे हो सकता है, इसका इससे हो सकता है और इसका इससे हो सकता है, तो फोर टाइप के हमारे बनेंगे। तो एक हमारा क्या बनेगा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई क्रोमोसोम पर तो कुछ है नहीं, ठीक है। दूसरा वाला हमारा बनेगा, हम लोग इसे ड्रॉ करके भी देख लेते हैं एक बार से, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और ये वाला, एक ये बन गया। दूसरा हम बनाएंगे तो हमारा इसी के साथ में ये हो गया, इसके साथ में ये वाला बनाकर देखते हैं, ये हो गया हमारा इसके साथ में वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और यहाँ पर वाई और डब्ल्यू, ठीक है। और वहीं इसके वाले के साथ में बनाएंगे तो दोनों होमोजाइगस बन जाएंगे, वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू और यहाँ पर बनेगा वाई डब्ल्यू और एक ये वाला मेल वाला क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये हमारे रिजल्ट आए, सेम आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट है। देखिए ये वाला बना, ये वाला बना, ठीक है, और एक ये वाला बना, एक ये वाला बना, ये आपको इन्होंने दे दिए एफ वन जनरेशन। वहीं दूसरा इन्होंने आपको दिया है रिकॉम्बिनेंट टाइप, तो इतना तो आपको इजीली समझ में आ जाता है एज इट इज़ है, बट रिकॉम्बिनेंट टाइप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। इन्होंने यहाँ पर आपको रिकॉम्बिनेशन करवा के रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करके देख लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है आपको सिंपली, ओह शिट, ठीक है, इसमें इन्होंने आपको क्या किया सिंपली इनका क्रॉसिंग ओवर करवा के देखिए। देखो अब आप इनका क्रॉसिंग ओवर अगर करवा दें, जैसे कि ये आपका था कैप, ये था प्लस वाला और ये था ये वाला।
अब देखिए मेल वाले में तो क्रॉसिंग ओवर होगी नहीं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे नहीं, करेंगे सिर्फ और सिर्फ फीमेल वाले। तो फीमेल वाले ये थे हमारे दो, जब इनकी क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा क्रोमोसोम बने उसमें ऐसा हो जाए, एक के पास वाई और डब्ल्यू प्लस आ जाए और दूसरे के पास में वाई प्लस और डब्ल्यू आ जाए, यही तो होगा, उल्टा फुल्टा यही होगा, इसके साथ में इसको कर देंगे, इसके साथ में इसको कर देंगे। ये हो गई हमारी क्रॉसिंग ओवर के साथ में बना हुआ रिजल्ट। अब इसकी सेल्फिंग करवाएंगे, जब इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट टाइप के बनेंगे। रिजल्ट्स बनेंगे हमारे ऐसे, देखिए एक बनेगा हमारा वाई प्लस डब्ल्यू मेल और यहाँ बनेगा वाई डब्ल्यू प्लस फीमेल, और वहीं वाई प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू के साथ में एक ये फीमेल और वाई डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू के साथ में ये फीमेल, ये दोनों मेल और ये दोनों फीमेल, इस टाइप का कुछ रिजल्ट्स बनेंगे हमारे पास में। देखिए ये तो आ गए रिजल्ट्स, हमने रिकॉम्बिनेशन करके देख लिया, नॉर्मली देख लिया और रिकॉम्बिनेंट जो रिकॉम्बिनेंट है वो बनाकर देख लिया। बट एक चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व की अपने एक्सपेरिमेंट्स में कि जो रिकॉम्बिनेशन टाइप बने, देखिए हमने जब एक्सपेरिमेंट किया और हमें पता है कि क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या होना चाहिए था, 50% नॉर्मल बनने चाहिए थे, 50% रिकॉम्बिनेंट्स बनने चाहिए थे, मतलब नए कॉम्बिनेशन बनने चाहिए थे। बट इनके रिजल्ट्स में कुछ ऐसा हुआ कि 98.7% तो नॉर्मल बने जो बनने चाहिए थे एक्सपेक्टेड, और वहीं 1.3% रिकॉम्बिनेंट्स बने। तो सिर्फ 1.3% ही क्यों बने, क्योंकि जो हमारे ये वाले जो जीन्स थे बहुत ही ज़्यादा पास पास प्रेजेंट थे, तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस थे कि ये सेपरेट होंगे। फिर इन्होंने क्या किया, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, इन्होंने दूसरा कैरेक्टर पकड़ा, इन्होंने आइज़ का कलर नॉर्मल रखा, इन्होंने वहीं विंग्स को पकड़ लिया, मिनिएचर विंग जो छोटे छोटे से विंग्स थे वो रिसेसिव कैरेक्टर था, और वहीं लार्ज साइज विंग जो थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, वो इन्होंने उसके साथ में किया। तो इन्होंने आइज़ का कलर, इन्होंने क्या किया, आइज़ का कलर लिया और मिनिएचर विंग्स को लिया, और इसके बारे में दो इन दो कैरेक्टर्स को पकड़ के क्रॉस किया, और रिजल्ट में ये मिला कि 62.8% पेरेंटल टाइप मिल रहे थे और वहीं रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे थे 37.2%। इसका मतलब ये था कि ये जो क्रोमोसोम है इस पर बॉडी के कलर का और आई के कलर का जीन थोड़ा सा पास प्रेजेंट है, वहीं आई के कलर का जीन और विंग्स के जो शेप है या साइज़ है उसका जीन थोड़ा सा दूर प्रेजेंट था। ये समझ में आया, जिससे कि रिकॉम्बिनेशन होना उसमें ईजी हो गया, जिसमें कि दूर दूर प्रेजेंट थे, और पास जिसमें थे उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, तो रिकॉम्बिनेंट्स थोड़े से कम बन गए। ये आपका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इस पर ज़्यादातर 5-6 सालों से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है, बट इससे पहले इसमें क्वेश्चन आते थे। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ जाता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इससे पहले का जो पैराग्राफ है इसको समझना। देखिए इस पैराग्राफ में से जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा आया हुआ है, वाई टाइड और ये जो येल्लो थे ये आपका टाइटली लिंक थे, और 1.3% रिकॉम्बिनेशन था और वहीं 37.2 रिकॉम्बिनेशन था वाइट एंड मिनिएचर विंग्स में, ठीक है, वाई टाइड और मिनिएचर विंग्स में किसके साथ इन्होंने किसको क्रॉस किया था, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इन्होंने मेल लिया था वो इन्होंने लिया था ब्राउन बॉडीड और रेड आइड, और जो इन्होंने फीमेल ली थी ये इन्होंने ली थी येल्लो बॉडीड एंड वाइट आइड। ये आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है उल्टा फुल्टा करके दे देते हैं कि फीमेल कौन सी थी, येलो बॉडीड रेड आइड और ऐसे करके, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो आपको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये डार्क कलर का और डार्क आइज का मेल था वाइल्ड टाइप जो कि डोमिनेंट था, ठीक है, और वहीं फीमेल जो थी वो प्यारी सी सिंपल सी थी, वाइट येल्लो कलर की बॉडी थी, वाइट कलर की आइज थी, सुंदर सी थी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, और दोनों के दोनों ये रिसेसिव कैरेक्टर्स थे, ठीक है। ये आपका PYQ है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इतना हो जाता है आपका लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो आपकी NCERT में दिया हुआ है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आपका टर्म लिंकेज से आ सकता है, दूसरा किस किस को क्रॉस किया था आपस में ये वाला क्वेश्चन, तीसरा कि कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन किस में है। तो ये आपको याद रखनी है, जो फर्स्ट वाला था इन्होंने कलर पर लिया था, बॉडी का कलर और आई का कलर, उसमें 1.3% रिकॉम्बिनेशन थी, वहीं दूसरा इन्होंने लिया इनका आई का कलर और मिनिएचर विंग मतलब विंग का साइज लिया था, इसमें इनकी रिकॉम्बिनेशन आई थी 37.2%। इस पर भी बहुत सारे PYQs आ चुके हैं आपके, तो ये PYQ इस पर बहुत सारे आ चुके हैं, इसे मार्क कर लीजिएगा अपने NCERT में। TH मॉर्गन ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए, और इनके एक स्टूडेंट थे अल्फर्ड स्ट्रूवेंटीवेंट, इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया कि
ये जिस तरीके से आपस में प्रेजेंट हैं पास में, तो फिर क्रॉसिंग ओवर कम होती है, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हैं, वहीं दूर प्रेजेंट होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर हो सकती है और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इसी को अल्फर्ट स्टूडेंट इवेंट ने ऑब्जर्व किया और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और अपना नाम भी फेमस कर लिया, जीन मैपिंग का टर्म इन्होंने दिया। जीन मैपिंग इन्होंने क्या किया, सिंपली एक क्रोमोसोम पे जो लोकेशन है ना जीन्स की, उसको बता दिया इन्होंने। देखो, जिसमें जितनी ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं इसका मतलब वो उतना ज़्यादा दूर दूर प्रेजेंट है, और जिसमें कम बन रहे हैं तो वो उतना फास्ट फास्ट प्रेजेंट है। इन्होंने ये बताया और जीन मैपिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। देखो, मान लो एक जो बॉडी का कलर है, बॉडी के कलर का जीन यहाँ प्रेजेंट है, उससे ही ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बन सकते हैं हेयर कलर से। ठीक है, एक एग्जांपल है, बॉडी का कलर और हेयर कलर में बहुत ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं तो ये दूर दूर प्रेजेंट है। वहीं बॉडी के कलर और बॉडी की हाइट में कम रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं तो ये पास पास प्रेजेंट है। इन्होंने ऐसे करके इन्होंने हमें जीन मैपिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया। जीन मैपिंग पर ज़्यादातर एक क्वेश्चन ये जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आया हुआ है क्वेश्चन। किसने दिया, अल्फर स्टूडेंट इवेंट ने, और ये किसके स्टूडेंट थे, टीएच मॉर्गन के। बट इस पर जो आपके कोचिंग में जो आपके वो होते हैं ना टेस्ट सीरीज, आपके वीकली टेस्ट वगैरह, उनमें क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपके एक टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, कभी आ जाए तो आप लोग उसे अटेम्प्ट कर पाए। देखिए इसमें क्या है, जो एक सिंपली हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं ना, वैसे ही कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी इज 20 मैप यूनिट। तो हमने क्या लिख दिया, ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, 20 मैप यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 10 मैप यूनिट। तो बी और सी के बीच में डिस्टेंस क्या है हमारी, 10 मैप यूनिट। ठीक है, हमने लिख लिया। वहीं ए एंड सी के बारे के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 30 मैप यूनिट। तो हमने ये लिख दी। अब ये बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए बी एंड सी जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम ये है तो इस पर क्या सीक्वेंसिंग है इसकी, ये बतानी है हमें। तो देखिए, अगर हम नॉर्मली इसे करने जाएं, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोग 20 लिखेंगे ए और बी में, ए और बी ड्रॉ कर लिया हमने, यहाँ से ए और बी है, यहाँ पर 20 हो गया। बी और सी में 10 है तो बी और सी यहाँ हो सकता है, ठीक है, या फिर बी और सी यहाँ भी हो सकता है तो इसमें 10 कर देंगे। फिर ए और सी में 30 है तो 30 यहाँ भी हो सकता है या फिर 30 यहाँ भी हो सकता है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, आप जो लॉन्गेस्ट आपको डिस्टेंस दिया हुआ है ना, उसको सबसे पहले लिख लीजिए। आपको ईजी हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ये तो छोटा सा है, बट बड़े बड़े भी मैंने देखे हुए हैं, आपके टेस्ट सीरीज़ में बहुत आते हैं। सबसे बड़ा आप ड्रॉ कर लीजिए, 30 दिया हुआ है ना आपको, क्या दिया है, ए टू सी। ठीक है, वहीं आपको बी टू सी कितना दिया हुआ है, 10। तो अब सी टू बी या तो आपको यहाँ हो सकता है या फिर आपका यहाँ हो सकता है, उसके लिए आप दूसरा देख लीजिए। ए टू बी दिया 20, तो ए टू बी 20 यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। अब यहाँ पर बी हमें बनाना है क्योंकि सी के पास में हमें बनाना है, तो यहाँ हो गया 10, ये हो गया 20, और ये आपका क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर हो गया बस सॉल्व, कुछ नहीं बचा अब इसके अंदर। तो अगर आप सीक्वेंस देखें और इसको आंसर करना है आपको, तो आप कहेंगे हमारा सीक्वेंस है ए बी एंड सी, ए और बी के बीच में 20, बी और सी के बीच में 10 एंड ए और सी के बीच में 30। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ये आप कर लीजिए। इतना हो गया आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जीन मैपिंग के भी आपके क्वेश्चंस। एक ये फॉर्मूला आपका मैंने आपको बता दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी आपके किसी कोचिंग में कोई क्वेश्चन आ जाए भूला भटका, तो आप उसे कर सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज निकालना है तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100, और इस पर तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, बट आप लिख कर रख लीजिए। हो सकता है कभी अगर आ जाए भूला भटका तो आप कर लें कोचिंग वगैरह में। PYQs तो मैंने नहीं देखे हैं, टू बी ऑनेस्ट। देखिए, अगर आपको कोई क्लास है, कभी लेट हो जा रही है, कभी नहीं हो पा रही है, या फिर क्या है, सारी जो आपको इन्फॉर्मेशंस हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, t.me/operationneet700, और वहीं इंस्टा हैंडल भी है सेम, operationneet700, आप उधर भी फॉलो कर सकते हैं। इतना जो मैंने आपको बताया NCERT में PYQs, वो NCERT में अपने में ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। इतने में आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद में हमारी क्लास जो होने वाली है सेक्स डिटर्मिनेशन पर होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड ईजी सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेक्स डिटर्मिनेशन कम्प्लीट करेंगे, तो तब तक के लिए इतनी NCERT एक बार से रीड करके ज़रूर आइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।